नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, डीएम और एसएसपी ने संभाली कमान। मुहर्रम को लेकर जिले भर में निकाला गया ताजिया और अखाड़ा जुलूस, ऐतिहासिक साजंगी मैदान में हुआ पहला। त्योहार के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, चौक चौराहों पर पुलिस बलों के साथ दंडाधिकारी थे तैनात। कहलगांव में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की गला घोटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। और अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहे दो अपराधी हथियार के साथ चढ़ा पुलिस के हत्थे, बांका एसपी ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के अकबर नगर में ताजिया जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों के लोग आमने सामने हो गए, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए डीएम प्रणब कुमार, एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, विधि व्यवस्था डीएसपी निसार अहमद, कई थानों की पुलिस के साथ अकबर नगर थाना पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल अकबर नगर सिमराहा के समीप मुहर्रम जुलूस गुजर रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से बाइक से सीआईएसएफ जवान के बाइक से दूसरे समुदाय के व्यक्ति को चोट लग गई, जिसके बाद लोगों ने सीआईएसएफ जवान की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के विरोध में एक पक्ष के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी घटना के विरोध में सड़क पर बैठ गए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ऐसी सूचना मिली थी कि दो पक्ष के लोग के बीच में कुछ विवाद हुआ है। इसी सूचना पे फिर पुलिस पदाधिकारियों को भेजा गया और हम लोग खुद भी आए और प्रशासन के भी सभी लोग आए हुए, डीएम साहब, एसडीएम साहब सभी लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पाया कि जो यहाँ पे जब लोग पहलाम के लिए नहीं, जो सुबह में प्रोसेशन निकाल रहे थे उसमें लेकर के जो कुछ राहगीर रास्ते में जाते हैं गुजरते हैं उनको लेकर विवाद हुआ था, परंतु अभी मामला बिल्कुल सुलझा लिया गया है, स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। और आने के बाद हम लोगों ने बस रिक्वेस्ट किया तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं और पहलाम को शांतिपूर्वक हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर जिले भर में ताजिया, अखाड़ा और निशान जुलूस निकाला गया। भागलपुर कोतवाली चौक बड़ा इमामबाड़ा से मंगलवार को 2:35 पर परंपरानुसार ताजिया उठाया गया। हजारों की संख्या में पैकरों ने या अली या हुसैन के नारे लगाकर ताजिया को ततारपुर चौक होते हुए पहलाम के लिए ऐतिहासिक स्थल ले गए। इसके बाद साजंगी तालाब में पहलाम संपन्न हुआ। इस दौरान लोगों ने ताजिया के ऊपर गुलाब जल की बारिश भी की, साथ ही अकीदतमंद लोगों ने ताजिया को चूमा और अपनी मुरादें मांगी। वहीं कोतवाली चौक, मौलाना चक, दाऊद चक, जगतपुर, साजंगी, बरई चक, उर्दू बाजार, गनी चक, हुसैनाबाद समेत कई इलाके में बना ताजिया आकर्षण का केंद्र बना रहा। विभिन्न मोहल्लों से निकाले गए ताजिया में इस बार देश प्रेम की भावना भी देखने को मिली। कई ताजियों में तिरंगा झंडा लगा था तो कई ताजियों को तिरंगे के रंग में ही तैयार किया गया था। वहीं ताजिया जुलूस देखने के लिए कोतवाली चौक, ततारपुर मुस्लिम हाई स्कूल और पंखा टोली चौक के समीप लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं देर शाम कई इलाकों से अखाड़ा जुलूस भी निकाला गया, जो अपने रूट के अनुसार साजंगी मेला मैदान पहुंचा। इसके बाद निशान, फूल और सहरा को साजंगी के तालाब में डालकर पहलाम किया गया। वहीं अखाड़ा में शामिल युवाओं ने सीपल, तलवार, लाठी और पारंपरिक हथियार का जमकर प्रदर्शन करते हुए कई कर्तव्य दिखलाए। साथ ही युवाओं की टोली ने जगह जगह ढोल, ताशा और बाजा बजाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इधर मुहर्रम को लेकर बिहार झारखंड सीमा स्थित सनोखर थाना के बेलडीहा इमामबाड़ा में विभिन्न गांव की जुलूस जुटी। जुलूस का नेतृत्व खलीफा कर रहे थे। निशान, लाठी और तलवार के जुलूस में शामिल लोगों ने अपने कला का जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सुरक्षा की कमान सनोखर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार संभाल रहे थे। मुहर्रम को लेकर पंजवारा में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस में काफी संख्या में बच्चे, महिला और पुरुष शामिल थे। मौके पर पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर साह मौजूद रहे। वहीं बांका में भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत दिवस पर एमकेजी उच्च विद्यालय से ताजिया जुलूस निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौके पर अंचलाधिकारी शंभू सरन, थाना अध्यक्ष नीरज तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे। इस्लाम की जितनी भी तारीख है हमारे इतिहास में और हमारे कुरान में भी ये मुहर्रम में ही है और मुहर्रम हम लोग का नया साल भी है। हक और बातिल के लिए हजरत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का जो यजीद लोग ने उनका
सर कलम कर दिया, इसलिए हम लोग मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। मुहर्रम जो है वो भाईचारे का पर्व है, बलिदान का पर्व है, मिलने जुलने का पर्व है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग मिल करके इसके साथ हैं। और जो यहाँ से जो इनका मातमी जुलूस निकलेगा बैकरों का, इसका हम स्वागत करते हैं। शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद थे हर कार्यक्रम में, यहाँ तक के एसडीओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, सभी जगह शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। और इनकी जो योग्यता है रात दिन इकट्ठित करके हर चौक चौराहे पर सारे शांति समिति के रूप एकदम सिपाही के तरह, मतलब आर्मी के रूप में खड़े रहे। मुहर्रम को लेकर जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रैफ की एक कंपनी के अलावा जिला बल के करीब 600 जवानों को तैनात किया गया। मुहर्रम को देखते हुए वरीय अधिकारियों ने पहले ही संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर लिया था। चिह्नित स्थानों पर पुलिस बलों के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। दसवीं को लेकर सभी चौक चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। वहीं सदर एसडीओ आशीष नारायण ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है, जबकि सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने त्यौहार में शांति समिति सदस्यों के सहयोग मिलने की बात कही। डीएसपी ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। जितने संवेदनशील स्थान हैं, उन सारी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। और हर जगह संवेदनशील जगहों पर 20 कमेटी की मीटिंग मैंने खुद जाकर के किया है और अभी तक सब ठीक चल रहा है। और आज रात तक भी हम लोग शांतिपूर्वक इसको व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सीसीटीवी और वीडियोग्राफर की हर एक चौक चौराहों पे और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट और फोर्स सभी जगह तैनात किए गए हैं। अभी तक जो भी जुलूस निकला है बिल्कुल शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से निकला है। अब रात में मुख्य जुलूस निकलना है, मुख्य कार्यक्रम रात में होना है, वो भी शांतिपूर्ण होगा। सभी जगह शांति व्यवस्था दुरुस्त है, बहाल है। कालगांव में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक की पहचान एनटीपीसी थाना क्षेत्र के बंसीपुर गांव निवासी मोती मंडल के 19 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का गांव के ही विजय मंडल की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोमवार की रात लड़की ने दीपक को फोन कर अपने घर बुलाया। इसी दौरान लड़की के परिजनों ने दोनों को आपस में बात करते देख लिया, जिसके बाद लड़की के पिता विजय मंडल ने अपने सहयोगी ब्रजलाल मंडल के साथ मिलकर युवक की गमछे से गला घोटकर हत्या कर और सबको कहलगांव के कुआं नदी पुल में फेंक दिया। मंगलवार की सुबह मृतक युवक का शव नदी से बरामद हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांका पुलिस ने अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहे दो अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिना नंबर वाले बाइक से दो अपराधी किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था। इसी दौरान बाराहाट थाना अध्यक्ष को सघन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। वहीं चेकिंग के दौरान दो अपराधी पुलिस को देख गाड़ी घुमाकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से दो पिस्टल, चार गोली और तीन मोबाइल बरामद हुआ है। एसपी ने कहा कि निरंजन यादव और रोहित यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें निरंजन यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। इसी क्रम में कम दिन में बाराहाट थाना क्षेत्र में हरिपुर मोड़ के पास जांच के क्रम में एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर दो लड़के तेजी से जा रहे थे, जिनका पीछा कर रोका गया और उसकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक के पास से पिस्टल लोडेड जिसमें चार गोली थी मैगजीन में और एक कट्टा लोडेड बरामद किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग,
MS Excel, MS PowerPoint शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिलेक्ट टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर भागलपुर असानंदपुर स्थित बड़ा इमामबाड़ा पर मजलिस का आयोजन किया गया। इस दौरान सिया समुदाय के उल्लेमाओं ने हजरत इमाम हुसैन की जीवनी और शहादत पर प्रकाश डाला, साथ ही करबला की घटना को ऐतिहासिक बताया। इसके बाद सिया समुदाय के लोग अली नवाब के इमामबाड़ा पर जमा हुए और हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम किया। वहीं बड़ा इमामबाड़ा से अल्म और जुलजना जुलूस निकाला गया। जुलूस इलाके का भ्रमण करते हुए पुनः बड़ा इमामबाड़ा पहुंचा। मौलाना सैयद नासिर हुसैन काजमी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वहीं सैयद अली ने नौहा पढ़ते हुए हजरत हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद किया। इस दौरान सभी लोग गमगीन हो गए, साथ ही जोर जोर से छाती पीट कर या हुसैन या अली की सदा लगाई। मौके पर सैयद रागिब हसन, सैयद जीजा हुसैन, दिलावर हुसैन, सैयद कमर अब्बास समेत कई लोग मौजूद थे। मैं मुंतजिर रहूंगा तुम्हारा नशेब में, हर वक्त याद तुमको करूंगा नशेब में। चले 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 चले। आज असानंदपुर मोहल्ले में जुलजना का जुलूस निकला है, अलम बरामद हुआ है, जिस एक मजलिस मुनक्किद हुई है, जिस मजलिस को आज जना मौलाना जनाब मुस्लिम से खताब फरमाए हैं। आज हम रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद मना रहे हैं, उनका गम मना रहे हैं, उनके भाई के करबला में काने कलम हुए, 6 महीने के छोटे बेटे अली असगर के गले पर तीर लगे, वो शहादत नोश फरमा जाते हैं। जवान अली अकबर 18 बरस के, वो शहीद किए जाते हैं। आखिर वक्त असर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में जाते हैं और इन्हें भी जालिमों ने घेर करके इन्हें कत्ल कर दिया। नाथनगर के चंपा नगर स्थित सरदारपुर रोड पर नाले का गंदा पानी बहने से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्यौहार के दौरान भी सफाई को लेकर निगम प्रशासन और स्थानीय पार्षद लापरवाह बना हुआ है, जिसके कारण मुहर्रम का जुलूस गंदे पानी से होकर गुजर रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों को स्थानीय लोगों ने समझा बुझा कर शांत कराया। यहाँ पे मूल समस्या आज मुहर्रम का मुस्लिम भाई लोगों का त्यौहार है और वो त्यौहार में वो लोग अपना तजिया उठाते हैं, यहाँ से इसी रोड से उनका जाना होता है और इसी रोड में आज बिन बरसात के दिन पानी जमा हो जाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को नमाज पढ़ना होता है और इसी एरिया लोगों आन जान होना होता है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी तकलीफ को झेलने का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विरोध यही करे कि पूरा रोड पर नाली का पानी गंदा पड़ा हुआ है, अपने से हम लोग साफ कर रहे हैं, कहीं भी फोन करते हैं पार्षद को, वो कोई सूझा उसका नजर आ रहा। अब तक सवेरे से उससे बातें नहीं हुआ। कब से ये समस्या? ये समस्या एकदम सवेरे से 6 बजे से। भागलपुर साकुंड पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साकुंड थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि कस्बा खेरी पंचायत के पुरानी खेरी बहियार से तस्करों द्वारा शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में छापेमारी की गई। छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी छोटू यादव मौके से फरार हो गया। बहियार स्थित बासा से पुलिस ने 160 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस ने शराब कारोबारी के भाई गुड्डू यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया है।
नगछिया के बाबा विष्णु राउत पुल पहुंच पथ पर रेल ओवरब्रिज के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर हमट्टा निवासी उमेश सिंह के 15 वर्षीय पुत्र फूदो कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम मृतक युवक मोटरसाइकिल से सरसों का तेल लाने 0 माइल गया था। वापस लौटने के दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। घटना में युवक की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक युवक 10वीं कक्षा का छात्र था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन नौगछिया में अध्यक्ष पद पर नंद कुमार ने जीत दर्ज की है। रविवार को हुए मतदान के बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की प्रक्रिया पूरी हुई। निर्वाचन पदाधिकारी सा कटिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के सभापति अशोक कुमार ने पर्यवेक्षक ललन पासवान एवं बालाकांत शर्मा की मौजूदगी में परिणाम की घोषणा की, जिसमें अध्यक्ष पद पर नंद कुमार 278 मत एवं निभाकर कुमार को 156 मत प्राप्त हुआ, जबकि 18 मत रद्द हो गया। उपसभापति पद पर वीरेंद्र कुमार ने फिरोज कुमार को 148 मत से पराजित किया, जबकि सचिव के पद पर निहाल रंजन ने जीत दर्ज की है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, डीएम और एसएसपी ने संभाली कमान। मोहर्रम को लेकर जिले भर में निकाला गया ताजिया और अखाड़ा जुलूस, ऐतिहासिक साजंगी मैदान में हुआ पहला। त्यौहार के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, चौक चौराहों पर पुलिस बलों के साथ दंडाधिकारी थे तैनात। कहलगांव में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की गला